चोट से उबर कर मैदान में 9 माह बाद वापसी के लिए तैयार है ये क्रिकेटर। भारतीय टीम के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा रिद्धिमान साहा चोट से उबर कर क्रिकेट के मैदान में 9 माह बाद वापसी के लिए तैयार हैं। वे सैयद मुश्ताक अली टी20 घरेलू टूर्नामेंट से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे। इस टूर्नामेंट के लिए बंगाल क्रिकेट बोर्ड सीएबी ने रविवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें साहा भी शामिल हैं। साहा आखिरी बार पिछले साल 25 मई को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में मैदान पर दिखे थे। इसके बाद वह चोटिल हो गए और उन्हें कंधे की सर्जरी करानी पड़ी। साहा ने वापसी पर कहा, मैं इस टूर्नामेंट को सामान्य विश्राम के बाद वापसी की तरह ले रहा हूँ। मेरे लिए यह सत्र की शुरुआत है। ग्रुप डी में शामिल बंगाल इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 21 फरवरी को कटक के खिलाफ मैच से करेगा। साहा के टीम से बाहर होने के बाद से परिस्थितियां काफी बदल गई है। ऋषभ पंत ने राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की कर ली है। ऐसे में यदि वो शानदार वापसी करने में सफल रहे तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच रविवार शास्त्री के सामने एक नई समस्या टेस्ट विकेटकीपर के चयन को लेकर खड़ी हो जाएगी। बंगाल के 34 साल के विकेटकीपर ने कहा, मैं कभी चयन के बारे में सोचकर क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यह मेरे हाथ में नहीं है। मेरा ध्यान उन चीजों पर है जिस पर मेरा नियंत्रण है। जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बता दें कि भारत को अगला टेस्ट मैच एक दिवसीय विश्व कप के बाद जुलाई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की श्रृंखला में खेलना है। सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में मनोज तिवारी बंगाल की कप्तानी करेंगे। बंगाल ने पिछली बार 2010 से 11 में इस खिताब को जीता था। यह होगी टीम मनोज तिवारी, कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन, उप कप्तान रिद्धिमान साहा, श्रीवत्स गोस्वामी, विवेक सिंह, ऋतिक चटर्जी, ऋत्विक रॉय चौधरी, शाहबा अहमद, प्रदीप प्रमाणिक, कनिष्क सेठ, अशोक डिंडा, सयान घोष, ईशान पुरेल, प्रयास रे बर्मन और अयान भट्टाचार्य।